अस्सलामुअलैकुम जी। तो व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। आज हम आपको रिव्यू करवाने जा रहे हैं पर्ल के रेफ्रिजरेटर का और डॉलस के रेफ्रिजरेटर का। इन दोनों का इकट्ठा रिव्यू करवाने का मतलब है ये है कि हम आपको इनके बारे में थोड़ा डिफरेंट बताएँगे। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और सादी रेफ्रिजरेटर में क्या डिफरेंस है, इनका मॉडल नंबर ठीक है और मुकम्मल डिटेल के साथ क्या क्या इनके फीचर हैं और क्या इसमें डिफरेंस है उसके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे। इनका पहले मैं वन बाय वन आपको रिव्यू करवा चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको इनका डिफरेंस जो है ना मुकम्मल एक साथ करके दिखाने लगा हूं ताकि आपको इनके डिफरेंस का पता चल जाए। सबसे पहले तो देखा जाता है ये रेफ्रिजरेटर है, 21950 मॉडल नंबर है, ये पहल कंपनी का। उसके अलावा ये देखा जाता है डॉलर्स में है, 91-93 एवंते प्लस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में। अब बात आ जाती है इनमें जो डिफरेंस है उसके बारे में। सबसे पहले जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है इसमें वो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है और ये है सादी, ठीक है। सबसे पहले ये इसमें फ़र्क है, उसमें ये फ़र्क है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया कि आपको स्प्लेजर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद ये कम बिजली पे चलती है, लो वोल्टेज पे काम करती है और इसके अलावा बिजली का बिल भी जो है ना इसका कम आता है। जो फ्रीज़र है उसका रिव्यू करवाया जाए आपको, ये पहल कंपनी का रेफ्रिजरेटर है, इसका ऊपर वाला फ्रीज़र है, और ये डॉलस कंपनी का, ये इसके ऊपर वाला रेफ्रिजरेटर का फ्रीज़र है, ठीक है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो फ्रीज़र में मेन चीज़ ये दी गई है कि ये फ्रीज़र जो है पहल के जो रेफ्रिजरेटर का फ्रीज़र है उससे ये फ्रीज़र जो है छोटा है। इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो वो 21950 मॉडल नंबर है 91-93 प्लस से ठीक है, इसका जो रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीज़र है ना वो उससे छोटा है। सबसे पहले तो मेन चीज़ इसमें ये आती है, ठीक है। ये ऊपर वाले मैंने जो फ्रीज़र का थोड़ा सा आपको दिखाया कि साइज़ में जो है ना काफ़ी इसका थोड़ा फ़र्क है, ये जो जंबो फ्रीज़र में आ जाता है, क्योंकि कंपनी ने, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कंपनी ने स्पेशली ये जंबो फ्रीज़र में जो है ना रेफ्रिजरेटर जो है ना लॉन्च किया था। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, इसके जो ऊपर वाला जो फ्रीज़र है इसमें यह है कि ये पाइपिंग आपको ओपन नज़र आ रही है ऊपर वाले साइड पे, नीचे वाली साइड पे, बैक साइड पे। ये थ्री वे से कूलिंग करती है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक उन्होंने इजाफा किया है ये जो LED लाइट है, ठीक है, ये भी एक उन्होंने मजीद इजाफा किया है। उसके बाद ये ऊपर वाले डोर की बात की जाए तो इसमें 3 शेल्फ आती हैं। तो उसके अलावा इसमें जो एक्स्ट्रा फंक्शन ऊपर वाले फ्रीज़र में दिया गया है वो एक LED लाइट का इजाफी दिया गया है। उसके बाद एक जो शेल्फ है उसका ज़्यादा दिया गया है फंक्शन। उसके बाद ये डॉलर्स का ऊपर देखा जाए, डॉलर्स में ये है कि ऊपर वाले फ्रीज़र में LED लाइट वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा शेल्फ भी इसकी 2 हैं, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि उसका फ्रीज़र भी बना बड़ा है, उस लिहाज से डोर भी उसका बड़ा है, तो इसलिए उसके शेल्फ जो हैं 3 दी गई हैं। उसके अलावा जो एक और डिफरेंस है, ये जो शेल्फ हैं बर्फ़ वगैरह के बॉल वगैरह रखने के लिए, ठीक है, ये जो है ना ग्लास में उन्होंने दी हुई हैं। उधर जो है उसमें जो है ये जो है ना लोहे की मिजरा जाली की जाली टाइप दी हुई हैं, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस है, तो इसमें वो मैंने आपको बताया वो वाला डिफरेंस है। तो उससे पहले ये कि ये तो हो गया अब इनके ऊपर वाले फ्रीज़र का रिव्यू, ठीक है। तो अब इसकी वारंटी वगैरह की बात की जाए तो वारंटी मैंने पहले आपको दोनों की बताई है, जैसा कि डॉलर्स जो है उसकी 12 साल के प्रेशर की वारंटी है, 1 साल उसके पार्ट की वारंटी है, और जो पहल का रेफ्रिजरेटर है इसकी 10 साल कंप्रेसर की वारंटी है और 1 साल इसके पार्ट की वारंटी है। तो उसके अलावा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसमें एक और इजाफी फीचर है कि ये जो आपके फल सब्जियां वगैरह जो होती हैं आप इनको इसमें अगर रखेंगे, इसमें बकायदा कंपनी ने एक जो है ना सेंसर वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। वो लास्ट ये पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है, वो नीचे अगर भाई आपको दिखा सकें वो लगा हुआ है। तो उसमें ये है कि ये ज़्यादा देर तक जो है ना इसकी नमी को जो है ना बरकरार रखता है। तो उसमें ये है कि ये इसमें भी एक फीचर ये दिया गया है, उसमें वो फीचर दिया गया है कि वो सब्जियों और फलों को ज़्यादा देर तक नमी बरकरार रखता है। इसमें जो एक फीचर दिया गया है ना ये वाला दिया गया है, वो ग्रीन जो निशान आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, 3 और 4 के दरमियान में। तो इसमें ये फीचर है कि ये आप इधर अगर नॉर्मल मौसम के हिसाब से कूलिंग लेना चाहते हैं तो अब इधर सेट करके नॉर्मल मौसम के हिसाब से कूलिंग ले सकते हैं। तो उसके अलावा इसकी शेल्फ भी बात की जाए, इधर सारी बात है, ऑलरेडी 3 शेल्फ होती हैं लेकिन इसमें जो है ना 4 शेल्फ हैं, ये भी इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है। उसके अलावा एक जो LED लाइट है, LED लाइट जो है ना इसमें डबल लगी हुई है, एक LED लाइट है, एक वो जो आम लाइट होती है वो होती है,
वो भी इसमें जो है ना एक एक्स्ट्रा दी गई है। उसके अलावा इसका ये जो बक्स होता है वेजिटेबल और फल वगैरह के लिए, ये डबल दिया हुआ है, यानी कि सेपरेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें यह है कि इसमें सिंपली उन्होंने एक ही बक्स जो है ना इकट्ठे बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें जो है सेपरेट था। तो इसके अलावा इसमें एक और एक्स्ट्रा फीचर ये है कि इसमें जो है ना पावर कूल का फंक्शन है, वो देख सकते हैं आप, पावर कूल का फंक्शन है उसमें, ये फीचर नहीं है कोई भी। उसमें यह है कि वो सिंपली जैसे वो कूलिंग करती है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा वो कूलिंग भी करती है। उसके अलावा इसमें एक और फीचर यह है कि वो जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया वगैरह जरासीम वगैरह को उससे भी ये ना कवर करती है। तो उसके अलावा इसका जो थर्मोस्टेट उन्होंने दिया हुआ है वो ऊपर वाली साइड पर दिया हुआ है, ये जो थर्मोस्टेट है पहल कंपनी का, ये देखिए ऊपर वाली साइड पर दिया हुआ है। तो इसमें जो है ना, इसमें जो एक डिफरेंस आ जाता है, इन्होंने ये साइड पर दिया हुआ है इसका जो थर्मोस्टेट है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा ये इनका थोड़ा डिफरेंस था, मैंने कहा चले वन बाय वन तो मैंने इनकी वीडियो बना के आप लोगों को रिव्यू करवाया, मैं इनकी आपको इकट्ठी भी वीडियो बना के इनका रिव्यू करवा दूँ, ताकि मज़ीद तो जो भी डिफरेंस हो आपको इसका पता चल जाए, क्योंकि आपको पता चल सके कि आपने कौन सा रेफ्रिजरेटर परचेज़ करना है और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। इनमें जो मेन जो इसमें जो कंपेयर करके जो फ़र्क आता है दोनों में, ये है कि ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है और ये जंबो फ्रीजर के साथ है, ठीक है। वारंटी की बात है, वारंटी 12 साल इसकी वारंटी है, 10 साल इसकी वारंटी है। उसके अलावा ये इसमें जो शेल्फ वगैरह आती हैं वो ग्लास में आती हैं, इसमें वो जो है लोहे वाली जाली होती है वो आती है शेल्फ इसमें। उसके अलावा एक जो एक्स्ट्रा फीचर इसमें ये है कि ऊपर वाले खाने में जो है ना LED लाइट दी गई है, और नीचे वाला जो फ्रीजर है फ्रिज है इसकी पहल की, उसमें LED लाइट दो दी गई हैं, एक जो LED लाइट है और दूसरा जो है वो आम लाइट होती है। तो ये इन सब के जो मैंने फीचर दोनों के आपको बताए हैं, ठीक है, इनमें ये सारा डिफरेंस है और इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कोई भी। इसके अलावा वो जो मैंने आपको फ्रीजर बताया था ऊपर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे और बैक वाली साइड पे, ये तीनों वे से कूलिंग करती है, और इसमें ये है कि ये 5 वे से कूलिंग करती है, क्योंकि ये 5 वे से कूलिंग करती है, इसकी पाइपिंग जो है ना वो भी अंडरग्राउंड है। तो जी तो दोस्तों आपको आज दोनों रेफ्रिजरेटर का रिव्यू करवाया है, इनका कंपैरिजन करवा के चेक करवा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।